मणिपुर, राजस्थान, बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के विधानसभा कुराव की रामगढ़ चौकी में। जी हाँ, मेरे साथ जो महिला मौजूद है वो उस प्रताड़ना से गुजरी है जिसके बारे में शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। आज ऐसा पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि मेरी जवान लड़खड़ा रही है। उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह का खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक कृत्य इनके साथ किया गया है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। मणिपुर की घटना आप लोगों ने जाना, सोशल मीडिया पर वीडियो 78 दिन बाद वायरल होता है और जब वीडियो वायरल होता है तो हड़कंप मच जाती है। 140 करोड़ देशवासियों का सर शर्म से झुक जाता है। एक ऐसा ही मामला, बहुत ही शर्मनाक, एक ऐसा ही घृणित कृत्य सामने निकल के आया है रामगढ़। मेरे साथ ये जो महिला बैठी हुई है इन्हें इनके मायके से बंबई ले जाया गया। बंबई ले जाने के बाद क्या कुछ किया गया वो हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि शायद मैं बताऊं तो मैं सिर्फ इनका दर्द, क्योंकि मैं सामने बैठा हूं, मेरे से इन्होंने ऑफ कैमरा बात किया, मेरी बहन जैसी है, मुझे इन्होंने बताया तो मैं खुद बहुत भावुक हो गया। लेकिन ये कैमरे के सामने हम लोग की भावनाएं, भावुकता, ये सारी चीजें नहीं चलती। कैमरे के सामने चलता है तो सत्य, सच्चाई और निष्पक्षता, जो कि हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक मणिपुर में शांत रहने का कारण यह था कि घटना आहत करने वाली थी, उससे निकलना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए और शायद हर एक भारतीय के लिए था। अब ये जो घटना है मैं इन्हीं से जानूंगा उस बारे में, किस तरह से इन्होंने प्रताड़ना 15 दिन झेला, और मैं जो रिसर्च कर रहा हूं उससे इनकी कहानी कुछ मिलती जुलती है। इस तरह के कांड इस वक्त भारत में देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहा है पूरे देश को। जो भारत देश अपनी पहलवान बेटियों से गर्व महसूस करता था वो बेटियां आज धरने पर बैठी हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। बहुत ही शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इन्होंने मुझसे बताया कि इन्होंने 4 दिन पहले एप्लीकेशन दिया लेकिन कार्यवाही के नाम पे शून्य। आज इन्होंने थाने में भी एप्लीकेशन दिया लेकिन कार्यवाही के नाम पे शून्य। किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उस पर लगाम लगाने की बजाय टालमटोल चल रहा है, आज मैं उससे आपको सीधे जमीनी हकीकत पर अवगत कराने बैठा हूं। चलिए हम इनसे जानेंगे और बीच बीच में आपको सत्यता से अवगत कराएंगे। किस तरह की घटनाएं बार बार, किस तरह की दरिंदगी बार बार देखने को मिल रही है और ये भारत की छवि को तार तार कर रही है। राजनेता तो नेतागिरी करके निकल जा रहे हैं लेकिन इन महिलाओं का क्या, जिनके साथ शोषण के घृणित कृत्य सामने निकल के आ रहे हैं। चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम शीला देवी। शीला देवी जी, क्या कुछ हुआ है आपके साथ, शुरू से बताइए। मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ और शायद मैं इनसे खुल के पूछ नहीं सकूं, लेकिन इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि आपके साथ जो कुछ बीता है उसे दर्शक एहसास कर सके। जो कुछ आपके साथ हुआ है वो शायद बताना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अपने ससुराल आदमी हमारे पैसा। ससुराल कहाँ है आपका? रामगढ़। रामगढ़, रामगढ़ के लिए आप वहाँ से तैयार हो जाए। हाँ, हम कुछ काम सिला रहे भैया, पैसा कौड़ी के आदमी हमारे पैसा कमाए कमाए रह रहे हैं। मेरे भाई हम 5000 रुपया मेरे रहा वहाँ से चलन भैया जी, तो रास्ते में मिलन शामू। शामू ये कौन है? सपनाथ बेटवा। अच्छा, रास्ते मिलन भैया हमसे पूछे कहाँ जा, तुम कहाँ जाते? घरे आए थे अम्मी के, हम गांव चलते चला बैठाए चली।
शामू ये कहाँ का रहने वाला है? शामू रामगढ़ के हैं भैया। रामगढ़ मतलब आप दोनों एक गांव के हैं? हाँ, ऐसे पूरा पूरा कहें। हम भरोसा करन भैया कि ठीक बात है, गाँव ही चलत है। तो हम बैठा चली गाड़ी लेट में, और समय 11 बजे रहा। 11 बजे से गाड़ी उधर बहुत कम चलत थी, तो राम आवत थी हम भैया अपन दोनों लड़का लेके बैठ गए। दोनों लड़का हमारे हाथ में रहन। जब वहाँ से हमें आओ भैया हम बैठाए तो लेन, और रास्ते में हमारे लग्यान कुछ दूर जब लग्यान जी, को जब गांव से मुल्लीपुर से निकलन भैया यार खजूरी रोड पे आवा। कहाँ का है और कौन वो दूसरा आदमी कौन था? नाम तो ना ही मालूम है भैया, एहन इधर के रामगढ़ के सामुख संग जमन गवार है। अच्छा, है रामगढ़ का ही वो भी? हाँ जी, आगे बताएं। तो फिर जब भैया हम बैठाएं कि चलो हम छोड़ दे भाई गाँव जी, तब तो भरोसा करके बैठ गए भैया उनके साथ जी। फिर वहाँ से जब खजूरी आए, खजूरी से बड़ोखर कैसे गाड़ी घुमाई दी है, तो हम बोलन कि कहाँ ले जात है, कुरान ले चले तो तू उधर कहाँ ले जात है, कहाँ कतम नहीं बैठा रह, काम बात है चलते आवत तुरंत लगता थे कुछ काम बात है इधर। तो फिर हम बैठा रहे, गाड़ी तेज कई थे सुभाष पुलिस पहुँचाई थी भैया यहाँ। अच्छा ये बताइए, एक गाड़ी पे इतने लोग कैसे, आपके बेटे भी आप लोगों के साथ आगे बैठाए रहे? अच्छा, कितने बच्चे आपके साथ थे? दो बच्चा। दो, उम्र क्या होगी उनकी? लड़कन समझ यानी 4 साल के हैं, यानी 1.5 साल का ही हैं कोरा हैं। अच्छा, और उन दोनों की उम्र क्या रही होगी, वो जो व्यक्ति थे शामू और उसके साथ जो था? 40 साल के बाद भैया पता हुआ बात है। अच्छा, मतलब उस व्यक्ति की शादी हुई है, उसके बच्चे की भी शादी हो चुकी है? हाँ। अच्छा, शादी ऐसा वही करें है बेटा वाक। हाँ जी। फिर भैया जब हमके लगे सुखास पुले को पहुँचाई दे, फिर भी हम पूछन कि कहाँ लैया, तो कहाँ अब चुप रख ना ही तभी इधर से तोरे लड़कन के फेंक दे भाई, और तो के जाँच मार डालो तो के संगे ले चलत है, कहाँ ले चलत है हमके संगे, तो कहीं बस जहाँ ले चलते चुपचाप बैठी रहू। हमके मारे धमकी दे लेकिन हमारे लड़कन को भैया, तो हम तो मजबूर हो गए कुछ ना ही बोलन। तो वहाँ आपके साथ गलत किया गया, वहाँ जब आप लोग गए तो वहाँ जो भी व्यक्ति है उसने आपके साथ वहाँ दुष्कर्म किया, गलत किया? हाँ भैया, हमके मारे रहा इधरे। अच्छा, 2-3 झापड़ हमके मार कही पैगे जवान खुल भी तो लड़का फेंक दे भाई इधर पुले पर से मर जाई ही, तो के तब लई चला बके। तो हम मजबूर हो गए भैया लड़के में जाती कुछ ना ही बोलन। फिर अंदर से हमके टाटा बैठाए से ओके आदमी जन संघे रहा लपेट दिए से, फिर भी हम ना ही बोल पावत है। हम अम्मा घघवावत करत झलझलियावत बात है, अकेल पाई के मार गरियावत रास्ता ले जाता बोल ना पावे तुमने। हम बोलना ही पावत है भैया। फिर इलाहाबाद ले गए स्टेशन, वहाँ से वो अंदर हम केहू से बतावे कोशिश करी तो हम तुरंत मारे लगी, हमारे लड़कन के धमकी दे लगी कि केहू से बोलबे तो अंदर तुरंत मार के गायब कर दे भाई। फिर हम बहू ना ही बोल पाऊ भैया, फिर वहाँ से स्टेशन गए ट्रेन पकड़े फिर बम्बई हमके ले गए भैया। स्टेशन पर हम ना ही बोल पावो थे ट्रेनों में, उधर तक अगर बोलबे तुरंत लड़का छोड़ तो के है कि देवे तो के जान से मार के हम भाग जाबे। फिर भैया हम कुछ ना ही बोलत थे, कतब बोल ना ही पावो थे, डर डरे मत सुभाए पड़ा बात थे। फिर ले गए भैया बम्बई हमके, उधर स्टेशन रूम इतना बेकार रूम रहा उधर रख रहा भैया हमके, ताला के अंदर हम बाहर नहीं कर पावत रहे। मतलब वहाँ बम्बई में आपको जानवरों की तरह रखा गया, जानवरों की तरह सुलूक हाँ, किया गया? हाँ भैया, ताला के अंदर हम के रखे, दारू पिए रोज आए मरे संगे गलत काम करे करे भैया, एक कौरा तिल न करे, हमारे लड़कन कैसे मारे लगे फेंक लगे करे लगे।
खाना वाना आप लोगों को किस तरह से मिलता था? जब इस तरह का जानवर आदमी था, जानवर तरह का व्यक्ति है, तो आप लोगों को खाना वाना मिलता था क्या समय? नहीं भैया, कुछ नहीं। से मार लड़का छंछियात रहे, बिना खाए चुरौरी बिनती करी, दिन भर में का दैया दई दई हर हर हो नहीं सही रही भैया। अच्छा, जहाँ आप लोगों को रखा था वहाँ लोग नहीं थे, किस तरह का इलाका था? अंदर गांव का नाम तो हमें नहीं पता भैया, लेकिन हम इंसान नहीं रहे के वैसे डर रखे रहा, मतलब सन्नाटे में रखा गया। हाँ, एकदम ऐसे डर रखे रहा, कह तुम जाए ताला के अंदर रहे। हमारे पैसा रहा भैया, हम इक्कीस पैसा लेके 15,000 रुपया लौटा रह जाए, वो पैसा हमारा सब बेगो हर चीज पैसा है ढूंढ के निकाली, पिए खाए रोज दारू, माँ गहना जितना हमारे शरीर पे रहा थोड़ बहुत जन सब बेचवाई दे लई दे, गहना मांगे लगा भैया न दे, तू धमकी दे के अगर तक गहना न देवे तो के जान से मार डाल तोरे लड़कन, तो हम का करी भैया मजबूर रहे। अच्छा, आपने फोन ऑन करने की कोशिश नहीं की अपने मायके में या फिर ससुराल में? मोबाइल तो मैं तुरंत ले ली भैया, फोड़ देस तुरंत सिम तोड़ फेंक देस, हम काहे से फोन करी। अच्छा, मतलब फोन आपके पास था लेकिन उसने पहले ही तोड़ दिया फोन को आपके? हाँ। अच्छा, जब कूदन लगी हम मोबाइल तुरंत छीन लिए सी, ना खजूरी जब चौराहे पहुंचे तो हम मोबाइल ले लिए सी उधर। तो फिर बम्बई में आपके साथ क्या क्या किया उसने, किस तरह से आपको प्रताड़ित किया, आपके बच्चों को क्या मारता था, डांटता था, फटकारता था, क्या कुछ? हमारे संगे बहुत कुछ कर्म करे वो भैया, हम का बताए, हमारे लड़कियन को मारत गरी आवत रहे, ऐसे ऐसे हमारे संगे काम करे वो भैया। आप एहसास कीजिए, जब ये बता रही हैं तो रोंगटा खड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किस तरह का वो व्यक्ति है, किस तरह की उस कि परवरिश है कि एक जानवर से भी पत्थर उसे इंसान कहना तो कतई गलत होगा, क्योंकि इस तरह के कर्म इंसान नहीं कर सकते। इस तरह का घिनौना कृत्य किया गया इनके बच्चों के सामने, उन बच्चों पर क्या कुछ असर हुआ होगा, उन बच्चों को जिस तरह से रखा गया, खुद इनको इस तरह से रखा गया, हम इन्हीं से जानते हैं ये वहाँ से बच के निकली कैसे। जी, फिर आप वहाँ से बच के निकली कैसे, आगे आपके साथ क्या कुछ किया? फिर भैया जब हमारे पैसा गहना गुड़िया सब बेच खाई ली है सी, हमारे संगे संग करे 15 दिन भैया ले गए अपने एक परिवार सब रहते बम्बई में जी, काफी दूर पे रहते रहे जी, फिर वहाँ ले गए हम अपने परिवार में जी, अपन बेटवा मेहरारू बंधु सब बुलाइस जी, बोलाई तू अंदर हमकी काफी मरवास चला तब से, मतलब पूरा परिवार प्रताड़ित कर रहा था। हाँ भैया, झूं चला हमकी सब अंदर मारे, हम रात भर बैठ कर रोत रहे भैया जी, फिर कुछ दूरिया हम सड़क कैसे रही बगल में कुछ दूर पे रही, जब हम सड़क भाग के अपन लड़का लेके गए उन्हें हमके मारे फलादी बना, जब कुछ परिवार हमके लात घूचा मारे भैया, फिर कहते हैं कि एक दोनों लड़का एक ही काट मार के एक ही गटर में झोंक दे, फिर भैया हम मारा लेके भागना अपन लड़का खुद, फिर इन्हें गए कुछ परिवार हमारे जीकर घसी लगते ही मेरे लड़के लेकिन रूम पर हम रोत भैया गोड़े मोड़े सबके घिर थी जी, तो कहते हैं कि एक ही गाँव ले चलो काट फेंक दे डरे, हम कहा भैया हमारे हमारी इज्जत लूटे कुछ भी कर हमारे संगी सब कर, अब हमारा लड़का न मारा हमके गाँव पहुँचाए ढक के उस जवान न खोल अपन, फिर यहाँ से ले आई भैया ले आई, जब स्टेशन यहाँ थाना थाना ले आई भैया, अगल बगल मनाई लगाए रहे हम बोल नहीं पावत रहे डरे। वो आपने बताया उसके भाई भी थे, तो उसके भाइयों का क्या कुछ रवैया रहा, उसके परिवार का क्या कुछ रवैया रहा? और करे परिवार के सब रवैया रहा भैया कि जान से मारी करे लड़कियों को मार के गाँव में ले चले, क्योंकि दिए गए तहरीर में जब मैंने देखा तहरीर तो उसमें जिक्र है कि उसके भाई द्वारा भी आपके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश किया उसने। उनका भाई गिंदे भैया जी, कहें कि चल मर संगी गलत काम कर जी,
हमसे बाजा लगती है ना, चल गलत काम हमारे संगे करते। अरे हम गोड़े मुड़े गिरे तो करण भैया बहुत जरूरी विनती कर, कहे चल अच्छा पहुँचाऊ तो ते जवान तो न खुलवे उनका ना के उस न कहबई हमके पहुँचाए दे मेरे लड़कन के। फिर वहाँ से न लड़के आए जब भैया बहन दो मरारू बटवा थाना बोले बम्बई में स्टेशन पे आवत रहे जब गाड़ी पकड़े वो अंदर अगले बगले मनई इसी लगाए रहे कि भैया जब वहाँ से हम आवन मनई अगल बगल लगाए रहे हम केहू से मन नहीं बतावे पावन अगल बगल देखी देकर मनई सब अगले बगले लगा रहे कि गरीब स्टेशन तक बोल दे देखे जान से मार डालब गायब कर दे। मतलब रास्ते में ही आपको गायब करने की कोशिश अगर आप बता देती किसी को।